नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। भदौरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव को लेकर युवाओं ने भरी हुंकार। खबर आ रही है सिवराई से। भदौरा रेलवे स्टेशन पर रेल ठहराव न होने के कारण लोगों को आवागमन करने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं ने ट्रेन ठहराव को लेकर अपनी मांग तेज़ कर दी है। सिवराई तहसील क्षेत्र के गोड़सरा गांव निवासी युवा नेता शाहिर खान ने बताया कि कोरोना का हाल से भदौरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बावजूद ट्रेन ठहराव सुनिश्चित न होने के कारण लोगों को आज भी असुविधा हो रही है। भदौरा बाजार निवासी युवा व्यवसायी आशीष गुप्ता ने बताया कि ट्रेन ठहराव न होने के कारण मजबूरी बस हमें निजी साधन से वाराणसी जाना आना होता है, जिसमें समय के साथ साथ जेब पर ज़्यादा असर पड़ता है। लोगों ने रेल अधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भदौरा रेलवे स्टेशन पर पूर्व की भांति ट्रेनों के ठहराव करने की मांग की है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम साहिर खान है, मैं गोड़सरा गांव का निवासी हूँ। साहिर जी, ट्रेन परिचालन को लेकर आप क्या मांग रखते हैं? जैसा कि ट्रेन परिचालन को लेकर मैं ये मांग रखता हूँ, जैसे ये भदौरा स्टेशन है, कोरोना का हवाला दे के यहाँ से सभी ट्रेनों का स्टॉपेज रद्द कर दिया गया है, और तहसील मुख्यालय होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को आने जाने में असुविधा हो रही है, और जैसे कि लोग जो बाज़ार आना जाना करते हैं उनको आने जाने में असुविधा हो रही है, और बहुत सारी दिन रोज़मर्रा की चीज़ें में विफलता आ रही है। बस यही गुजारिश है लोगों की मिलकर यही गुजारिश है कि कृपया करके रेल का संचालन और ठहराव यहाँ पूर्ण रूप से दी जाए भदौरा स्टेशन पर। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।